हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्सेस बॉलीवुड। आज मैं बात करूंगा सचिन तेंदुलकर के बारे में, जिन्होंने ओलंपिक जो मेडलिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया था, जो जो एथलीट्स थी हमारी उनको गिफ्ट की है BMW। जी हाँ, हैदराबाद में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ सचिन तेंदुलकर पहुंचे थे। सचिन तेंदुलकर, आपको बता दूं कि जो रियो ओलंपिक्स का हमारा जो कंटिजेंट था उसके एक ब्रांड एम्बेसडर थे, उसके गुडविल एम्बेसडर थे। तो कहीं ना कहीं एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जहां पे साक्षी मलिक, जिन्होंने रेसलिंग में हमारा नाम रोशन किया था और ब्रॉन्ज मेडल जिताया था, वहीं पीवी सिंधु जिन्हें सिल्वर मेडल जिताया था बैडमिंटन में, और कहीं ना कहीं दीपा कर्माकर जो पहली बार जिमनास्ट में टॉप 8 में पहुंची थी और चौथे स्थान पर आई थी, उन्हें सम्मानित करने के लिए। और साथ ही साथ जो बैडमिंटन के कोच है पुलेला गोपीचंद, उनका जो आउटस्टैंडिंग एक अचीवमेंट रहा है पीवी सिंधु के लिए, जो उन्होंने जितने हार्डवर्क किया है तब जाके हमें सिल्वर मेडल मिला। तो इन चारों को सचिन तेंदुलकर ने BMW कार गिफ्ट की है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये जो जो खिलाड़ी है इसे काफी ज्यादा उत्साहित हुए हैं, और ये जो अवार्ड दिया गया है किसी मंत्री संत्री ने नहीं दिया है और गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया है, ये दिया है जो हैदराबाद के बैडमिंटन एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये BMW कार मिली है। और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां जिसे हम कहते हैं, वो इतना अच्छा कमाल कर रही है, हमारे जो गर्ल्स चाइल्ड जिसे कहते हैं वो इतना कमाल कर रही है कि हमारा जो नाम सेव किया है, 4 साल बाद ओलंपिक्स होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, और कहीं ना कहीं वो अगर ना खेलते, इतना अच्छा परफॉर्म ना करते तो शायद इंडिया के पास एक भी मेडल नहीं आ पाता। इसलिए एट द एंड में पुलेला गोपीचंद से जब पूछा गया तो पुलेला गोपीचंद ने ये भी कहा एक सार्कास्टिक वे से कि देश का जो मतलब देश में बेटी बचाओ, मतलब एक तरह से इंग्लिश में कहा कि वी मस्ट सेव गर्ल चाइल्ड एंड दे हैव सेव द इंडिया इन द ओलंपिक्स समहाउ। उन्होंने इस तरह कुछ कहा है कि इंडिया में मतलब ना बेटी को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि बेटियों ने ही इंडिया का नाम एक बचाया है ओलंपिक्स में। इस तरह का कुछ उनका कमेंट्स था जो बहुत अच्छा कमेंट्स था। तो कुछ और बातें पता चलती है स्पोर्ट्स या क्रिकेट के बारे में, या मतलब बॉलीवुड के बारे में, तो आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।